गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल अपने ऑडिटिंग के बारे में पढ़ा था, शुद्धियाँ, गबन, कपट और उसमें अकेक्षक की पोजीशन। आज अपने पढ़ते हैं अकेक्षक का कार्य क्षेत्र। कार्य क्षेत्र स्कोप ऑफ ऑडिट बीकॉम पार्ट थर्ड। स्कोप ऑफ ऑडिट, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, टू के अकॉर्डिंग अकेक्षक के कार्य क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है। अकेक्षक किन सीमाओं के और किन व्यवहारों का अकेक्षण कार्य करेगा, इसकी सीमाएं क्या होगी, विस्तृत जांच होगी या गहरी जांच होगी, ये अकेक्षक या विधान कंपनी विधान के द्वारा या अकेक्षक विधान के द्वारा या नियमों के द्वारा अपनी जांच को किस क्षेत्र तक सीमित रखेगा, इस बारे में चर्चा करेंगे। इसमें किसी भी संस्था का अकेक्षण कार्य करने से पूर्व उस संस्थान के नियमों और विधान को ध्यान में रखकर अकेक्षक अपने क्षेत्र का निर्धारण करता है। अकेक्षक के क्षेत्र का निर्धारण अकेक्षक किसी संस्थान के उद्देश्यों भी, अकेक्षण का उद्देश्य क्या है, अकेक्षण का उद्देश्य क्या है उसके अकॉर्डिंग निर्धारित करता है। लेकिन उद्देश्यों के संबंध में अकेक्षण कार्य करवाया जा रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग अपने कार्य क्षेत्र का निर्धारण करता है। अकेक्षण के कार्य क्षेत्र में AS2 में ये निर्धारित किया जाता है कि अपेक्षक के कार्य क्षेत्र को कोई भी नियोक्ता उसको सीमित नहीं कर सकता या उसको कम नहीं कर सकता। अपेक्षक के कार्य क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है नियोक्ता के द्वारा, उसके विधान द्वारा जिसके अधिकार दिए गए उसके अकॉर्डिंग उसको कम नहीं किया जा सकता। अब अपेक्षक किन व्यवहारों की जाँच दो सीमाओं के अंतर्गत करता है, विस्तृत जाँच और गहन जांच। इन दो सीमाओं को ध्यान में रखकर क्या है अपना अकेक्षक कार्य क्षेत्र का निर्धारण करता है। विस्तृत जांच के अकॉर्डिंग कोई भी अकेक्षक अपने कार्य क्षेत्र में किन किन मदों की जांच करेगा, जांच का क्षेत्र क्या रहेगा, मतलब कितने व्यवहारों की जांच करेगा। और गहन जांच के अंतर्गत किसी व्यवहार की किस गहनता तक जाँच की जाएगी, मतलब उसके किसी व्यवहार को कैसे आप मतलब गहन तरीके से उस पर जाँच कर सकते हो। जैसे कोई आइटम है केस बुक की जाँच करना, तो केस बुक में लेन देन का जो ब्यौरा दिया गया है, किन आइटमों पर इसको खर्च किया गया है, कहाँ से आपको भुगतान प्राप्त हुआ है, भुगतान प्राप्ति और भुगतान के नगद प्राप्ति और नगद भुगतान के संबंध में जिन जिन प्रमाणकों को यूज किया गया है उनको वो अपनी गहन जांच के द्वारा देख सकता है और विस्तृत जांच के अकॉर्डिंग कितने व्यवहारों की जांच करता है। अब अकेक्षण कार्य क्षेत्र निर्धारण के बाद अकेक्षक का कार्य क्षेत्र मुख्य रूप से तीन तरीकों से कार्य क्षेत्र का निर्धारण किया गया है। पहला निजी अकेक्षण, दूसरा वैधानिक अकेक्षण, तीसरा सरकारी अकेक्षण। कार्य क्षेत्र के अकॉर्डिंग अकेक्षक को तीन भागों में बांटा है निजी अकेक्षण। यह अकेक्षण कोई भी प्राइवेट संस्था या कोई भी संस्था समझौते के द्वारा अपने संस्था का अकेक्षण करवा सकती है। इसमें उसके उद्देश्य भी संस्था द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और उसी उद्देश्यों के अकॉर्डिंग अकेक्षक अपना कार्य क्षेत्र निर्धारित करता है। किसी भी वैधानिक किसी भी संस्था का किया जा सकता है। यदि किसी संस्था का वैधानिक अकेक्षक अकेक्षण भी हुआ है या होना है तो भी क्या है कोई भी संस्था अपना निजी अकेक्षण करवा सकती है। इसमें अकेक्षक की योग्यताओं का निर्धारण भी निश्चित नहीं है, ये किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है। दूसरा इसमें जैसे एकांकी व्यापार का अकेक्षण
कोई एकल व्यवसायी है जो अपने संस्था का अंकेक्षण करवाना चाहता है तो वो निजी अंकेक्षक के द्वारा अपना करवा सकता है। जो संस्थाएं जिनका वैधानिक अंकेक्षण करवाना अनिवार्य नहीं हो वो संस्थाएं भी क्या है निजी अंकेक्षक के द्वारा अपने खातों की जांच करवा सकती है। दूसरा वैधानिक अंकेक्षण, वैधानिक अंकेक्षण कंपनी मुख्य रूप से ट्रस्ट या बैंक जिनका क्या है गवर्नमेंट के द्वारा वैधानिक अंकेक्षण करवाना अनिवार्य होता है और इस अंकेक्षण के लिए ऑडिटर की क्वालिफिकेशन ऑडिटर की योग्यता क्वालिफिकेशन नियुक्ति रिटायरमेंट सभी विधान द्वारा निर्धारित होता है, सभी क्या है विधान द्वारा निर्धारित किया जाता है और विधान के द्वारा भी उस संस्थान के अंकेक्षक के उद्देश्य भी निर्धारित किए जाते हैं। उन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर क्या है वो अपने कार्य क्षेत्र की सीमाओं को गहन या विस्तृत जांच के द्वारा निर्धारित करता है। तीसरा आपका गवर्नमेंट ऑडिट या अंकेक्षण, भारतीय संविधान की अंडर सेक्शन 48 के अकॉर्डिंग क्या है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रण में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है जो केंद्र सरकार और केंद्र सरकार या राज्य सरकार के संस्थानों को क्या है अंकेक्षण के संबंध में कर्तव्य नियम निर्धारित करता है। 148 के अकॉर्डिंग उसकी नियुक्ति और 149 के अकॉर्डिंग नियंत्रण महालेखा परीक्षक क्या करता है इन संस्थाओं का कर्तव्य का निर्धारण करता है। सरकारी संस्थाओं में जैसे रेलवे डाक्टर और रक्षा विभाग के रेलवे रक्षा तैयार इन विभागों का अंकेक्षण क्या है के अकॉर्डिंग या नियंत्रण महालेखा परीक्षक के द्वारा किया जाता है और वो ही इन संबंध में अपने उद्देश्य और कार्य क्षेत्र का निर्धारण करता है किन किन क्षेत्रों का आपको अंकेक्षण कार्य करना है। इसके अलावा राज्य सरकार में भी क्या है केंद्र सरकार के जो उपक्रम जो राज्य में स्थित है उनके संबंध में महालेखापाल की नियुक्ति की जाती है जो केंद्र सरकार के जो राज्य में स्थित विभाग है उनका रिपोर्ट और उनके संबंध में नियम बनाता है। तीसरा ये दोनों कैग और क्या है नियंत्रण महालेखा परीक्षक इन डिपार्टमेंट के संबंध में अपनी ऑडिट रिपोर्ट क्या है राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है और राज्य के संबंध में महालेखापाल राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। जो केंद्र सरकार को जो प्राप्त रिपोर्ट होती है या राष्ट्रपति को जो रिपोर्ट प्राप्त होती है वो लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदनों में रखी जाती है और महालेखापाल से प्राप्त राज्य विधानसभाओं में प्रस्तुत की जाती है जिन पर इनकी चर्चा की जाती है। ये था आपका निजी अंकेक्षण अंकेक्षक का कार्य क्षेत्र कहाँ कहाँ होगा तो निजी अंकेक्षक के द्वारा संस्था कोई भी संस्था करवा सकती है, वैधानिक अंकेक्षण कंपनी ट्रस्ट या जो विधान द्वारा जिन संस्थाओं का अंकेक्षण करवाया जाता है और तीसरा आपका सरकारी अंकेक्षक में भी क्या है ऑडिटर्स जो कैग द्वारा निर्धारित किए जाते हैं वो अपने कार्य क्षेत्र के अकॉर्डिंग या उद्देश्यों के अकॉर्डिंग अपना कार्य क्षेत्र का निर्धारण करते हैं। धन्यवाद। आपके अपने कल पढ़े।